आप देख सकते हो यहाँ पे फेस्ट, एनुअल मैनेजमेंट फेस्ट हुआ है, काफ़ी सजा के रखा है लोगों ने। और इसका नाम दिया है इन सभी ने रन संग्राम। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या था यहाँ पर? यहाँ पर दो दिन का फेस्ट चल रहा है रन संग्राम। ओके। और ये BHU का मैनेजमेंट फेस्ट है इकलौता, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैनेजमेंट की स्किल्स है उनको डिस्क्रिटाइज करके, हाँ, उसको स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, HR हो गया, या फिर टीम मैनेजमेंट, ये सब जो स्किल्स है इन पर हम इवेंट्स करते हैं। जैसे कि फिनालिसिस हमने इवेंट किया फिनेंस के ऊपर, मास्टर प्लानर बिजनेस प्लान के ऊपर है, और प्रो राइटर्स है स्पीच के ऊपर है, CEO स्पीच है, एक जैसे टीम लीड कैसे करते हैं उस चीज़ों के ऊपर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम मौर्य है। हरिओम, हरिओम एक बात बताओ, जैसे कुछ मोटिव रखते हैं हर प्रोग्राम्स का, इस बार कुछ मोटिव रखा गया है क्या? हमारे इस बार का थीम है बी द चेंज। ओके। तो हमारे में ये है कि लोग बात करते हैं चेंज की, लेकिन बात ये है कि कोई करना नहीं चाहता है उस चीज़ को। तो इस इवेंट के दौरान हम इस चीज़ को भी फैला रहे हैं कि जो आप चाहते हैं चेंज दुनिया में, उस चेंज को बने जो महात्मा गांधी जी ने कहा है। आप बताओ आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका गुप्ता। प्रियंका, ये बताओ कुछ ऐड करो कि चेंजेस किस तरह से लाए जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, मैनेजमेंट से हो आप लोग, तो बताओ ज़रा। जैसे कि नॉर्मली हम एज ए मैनेजर हम होता है कि हम चाहते हैं कि ये लोग सभी वर्क करें, बट हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जो अदर पीपल हैं वो अच्छा काम करें, या उससे हम एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा है पहले हम खुद को वैसा पर्सन बनाएं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा से बिहेव करें या कॉपरेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम वॉट यू वॉन्ट टू मेक अदर्स। अच्छा प्रियंका, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं छोटा सा। कहा जाता है बिजनेस में कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। आप लोग कितने सहमत हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि अगर हम सामने वाले को चाहते हैं कि वो 20 मतलब अगर 10 घंटे काम करें, उसके लिए हमें 24 घंटे काम करने चाहिए। मीन 10 घंटे अगर हम उनसे चाहते हैं तो उसका डबल हमें उनके करके दिखाना पड़ेगा। हम कर्म को प्रधान मानते हैं, तो वही है कि हम करेंगे। अच्छा, किसी मतलब बाहर से कुछ लोगों को, जैसे आप लोगों ने चाय वाले को बुलाया, ठीक है, तो क्या चीज़ रहा, क्यों मतलब कुछ लोगों का पॉइंट रहा कि MBA चाय वाला जो है उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है कुछ? MBA चाय वाले से तो वैसे ही लोग इंस्पायर्ड है उनके बिजनेस प्लान से, जिस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है। और यही बात है कि स्पॉन्सर्स को देख के भी लोग सीखते हैं, क्योंकि कई लोग आए थे और लौट गए हैं। हाँ। वो सोच रहे थे क्या कि आप लोग बुलाए हो उनको? नहीं नहीं, इस तरह से रहता था, हम उसको अलग से डिक्लेयर करते हैं कि इनको हम बुलाए हैं। हाँ। तो बस अभी स्पॉन्सर्ड है उनके द्वारा ये इवेंट। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।